पिछले दिनों हमने देखा कि तीन बड़े पत्रकारों नाम लेते हैं हम, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, अमिश देवगन, इन तीनों के खिलाफ FIR। पॉपुलर कल्चर में, पॉपुलर बिलीफ में माने जाते हैं, इनके शोज में भी इस तरह का दिखता है कि जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं प्रो गवर्नमेंट इनका एजेंडा दिखता है। इनके खिलाफ जितनी भी FIR हुई या जितनी भी शिकायत हुई वो उन राज्यों में हुई जो गैर भाजपा राज्य है, गैर भाजपा शासित राज्य है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत सारी बातें उठने लगी कि क्या इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या सीमा है, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफाइन करते हुए क्या कंडीशंस लगनी चाहिए, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है। मैं तो कहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर या जिन लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज हुई है, मैं तो उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता कि उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा था जब मैं जेल से रिहा हुआ था, उस समय भी मैंने बात कही थी लोगों को कि देखिए ये ट्रेंड जाएगा, आज करें कल इसको कोई और फॉलो करेगा। तो ऐसी जो आज अर्नब गोस्वामी या देवगन के साथ जो होता है, उनके आकाओं द्वारा सेट किया हुआ ट्रेंड है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर पत्रकारों को जेल में बंद करने का काम किया। अब जाहिर सी बात है, जितने भी लोग हैं वो बदले की भावना से तो जीते ही हैं। हमारे समाज में बदले की भावना है, हर जगह बदले की भावना है। तो आप जिस तरीके का ट्रेंड सेट कर देंगे, उस तरीके का ट्रेंड आने वाली सरकारें फॉलो करेंगे। आज आप लोगों को पैदल चलने को मजबूर कर देंगे, कल आने वाली सरकार आपको साइकिल देकर कहेगी कि पिछला वाला पैदल चला रहा था, हमने तो साइकिल दे दिया, हमको तो कम से कम पूजी है। तो वो आपके अपेक्षाओं का जो मापदंड है ना, वो इतना नीचे कर देगा कि आपको ना बस घर से निकलकर 100 मीटर जाना भी आपको महान आजादी लगेगा, कि आपको लगेगा आप विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं, स्वतंत्र आजाद जहाँ का वातावरण है वहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे दरअसल अम्बेडकर, भगत सिंह, गांधी, इन जिन लोगों ने भी देश की आजादी की कल्पना की या इमेजिन किया कि इस तरीके से हमारा नेशन का स्ट्रक्चर होगा, उसने हमें एक बहुत बड़ा विजन दिखाया, बहुत बड़ा सपना दिखा दिया कि यार आपको बोलने की आजादी होगी, आपको कुछ भी करने की आजादी होगी, आप मनपसंद शादी कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको एक सरकार आती है जो आपको बताती है नहीं नहीं, वो बोल के मर गए, मरे हुए बात की बात लोग भूल जाते हैं, तो मरे हुए नेता थे। तो इन्होंने आपको आपको सप्रेस किया है, और आपको देखना आगे चल के जो अर्नब और देवगन के साथ हो रहा है वो और भी लोगों के साथ होगा। इसके लिए इस ट्रेंड को रोकना बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करना चाहिए, और अगर FIR करनी है तो सुभाष चंद्रा पर करो, उस चैनल के मालिक पे करो, उसकी गलत संपत्ति कहां से इतनी संपत्ति आ रही है उसके पास ये पूछो। पूरा देश का मीडिया नुकसान में, फिर भी ये लोग 25-25 लाख, 30 लाख रुपए एंकर को सैलरी दे रहे हैं, कहाँ से आ रहा है ये पैसा, ये पता लगाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है इनकी औकात ठिकाने लग जाएगी। तो प्रशांत, आपने एक बहुत आई ओपनिंग बात कही है कि किसी भी तरह के पत्रकार पर, चाहे वो किसी भी तरह की बात करे, उनका इतना फ्रीडम स्पीच है, और कम से कम FIR नहीं होना चाहिए, ट्रेंड सेट होता है। फेक न्यूज जो है वो बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है पिछले कुछ सालों में। हमने देखा तबलीगी जमात जब से लॉकडाउन लगा तब से मीडिया के चर्चा के केंद्र में रहा तबलीगी जमात, और बाद में पता पड़ा कि जितने भी वीडियो इनको लेके प्रचारित किया गया वो उनमें से ज्यादातर वीडियो जितने वो झूठे। अब जब फेक न्यूज इस कदर हावी है और जो पत्रकार है मेनस्ट्रीम मीडिया के वो खुद इसको फैला रहे हैं, यदि इनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती है तो ये तो अपने एजेंडा को चलाते रहेंगे, अपना प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे, फेक न्यूज फैलाते रहेंगे। उस स्थिति में सफर तो अल्टीमेटली देश करता है, सफर अल्टीमेटली देश के नागरिक करते हैं, तो उससे बचाव कैसे होता? देखिए क्या होता है ना कि पहले भी तो न्यूज छपती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले आप नहीं सुनते होंगे कि इतना फेक न्यूज का मामला आता होगा। लेकिन चूंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है, सबके पास इतने रिसोर्सेस हैं और सब कुछ है, उसके बावजूद भी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इसका एक सबसे प्रमुख कारण यह है कि चैनलों में रिपोर्टिंग बंद कर दी गई। आप अमूमन 97-96% चैनलों की मैं बात करूंगा, उन्होंने पूरी तरीके से रिपोर्टिंग बंद कर दी है कि रिपोर्टिंग का कोई कल्चर नहीं है। और वो क्या करते हैं, ANI से, INS से, एजेंसी से कोई फीड ले लेते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर खबरें जुटाने की कोशिश करते हैं। और नोएडा में बैठकर पुलवामा की रिपोर्टिंग अगर होगी तो फेक न्यूज तो फैलेगा ही ना। आपके लोग अगर जमीन पर मौजूद होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है, अगर जौनपुर में कोई घटना घटती है और व्हाट्सएप पर आपको कोई खबर आती है कि फलाने हुआ कि मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या कर दी, इस तरीके की फेक न्यूज अगर आपको
आ रही है, इसका कारण ये है, और वो टीवी पर भी आ जा रही है, तो इसका कारण ये है कि नोएडा से बैठकर जौनपुर की रिपोर्टिंग हुई है। अगर जौनपुर का संवाददाता अगर इस बात की तस्दीक कर देता कि ये बात गलत नहीं है, अगर चैनल ने जौनपुर में एक रिपोर्टर रखा होता तो फेक न्यूज नहीं फैलता। तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग बंद की गई है, डेस्क से आपको ज्यादा काम करने को कहा जा रहा है, और जहां डेस्क मजबूत है आप देखिए वहीं पत्रकारिता सबसे कमजोर है। जो रिपोर्टिंग आपको टीवी पर देखने मिल रही है, जो अखबारों में छपी हुई चीजें हैं, अगर आप इक्का दुक्का अखबारों को छोड़ दें या इक्का दुक्का चैनलों को छोड़ दें, तो अमूमन जो खबरें हैं नोएडा फिल्म सिटी से बैठकर कश्मीर की रिपोर्टिंग, यहाँ तक कि कोरिया तक की रिपोर्टिंग वो नोएडा से बैठकर कर देते हैं। जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा हाथ आप मारेंगे कि नोएडा से कोरिया की रिपोर्टिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी फेक न्यूज तो फैलेगा ही। फेक न्यूज फैलता है क्योंकि जो कल्चर है रिपोर्टिंग का वो कहीं ना कहीं न्यूज चैनल में और मीडिया संस्थानों में खत्म हो गया लगभग कई चैनलों। अब फेक न्यूज फैलाने का जो जरिया बने हैं वो वही मीडिया कर्मी है, वही पत्रकार है, वही एंकर है जिनको हम देखते हैं। आपने अभी बातचीत में हमसे पहले कहा कि चाहे कोई भी पत्रकार हो उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का FIR नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल नहीं होना चाहिए। इन स्थितियों में जब फेक न्यूज फैल रहा है और ये लोग जरिया बन रहे हैं, तो फिर इसको रोकने के लिए और उपाय क्या हो सकता है? जो लोग फैला रहे हैं उनको पनिश किया जाए, क्या आपको ये उपाय नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है कि पत्रकार को पनिश करने से अच्छा आप उसके माल पनिश करिए। अच्छा, जैसे जो बिजनेस घराने उसके पीछे हैं, जैसे सुधीर चौधरी की गलती की सजा सुधीर चौधरी को थोड़ी ना मिलनी चाहिए, वो तो वही कह रहा है जो चाबी भरी गई है, उसे जो सुभाष चंद्रा ने करने के लिए कहा है वही वो कर रहा है। सुभाष चंद्रा तो राज्यसभा सीट खरीद के सेट किए थे ना अपना बीजेपी के साथ हरियाणा से। तो एंकर जो होता है वो एक एक्टर की तरह होता है, लाइट कैमरा एक्शन टेलीप्रॉम्प्टर, जो लिखा है पढ़ दो चुपचाप, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अंजना जी के पति हैं, IPS ऑफिसर हैं, अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो सस्पेंशन हो सकता है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो दो नाव पे जो सवार होता है उसके साथ तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो आपको लगता है जो पत्रकार हैं वो इंस्ट्रक्टेड लोग हैं, और मुरली वो भी शायद चाहते नहीं है लेकिन किसी ना किसी मजबूरी में इस तरह के फेक एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए क्या वो नफरत फैलाना चाहता है, नहीं फैलाना चाहता, पापी पेट का सवाल है, पापी EMI का सवाल है, पापी पेट पापी EMI का आपने जिक्र किया उसका सवाल है। लेकिन इसके कारण जो चीजें फैल रही है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है और इसके कारण जो चीजें फैल रही है उसका नुकसान सीधे तौर पर देश को, देश के सोशल फैब्रिक को और देश के नागरिकों को हो रहा है। तो नागरिक कैसे बचे, लोग कैसे बचे इस बीमारी से? देखिए, आप देखेंगे जितने भी बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लोग किसी ना किसी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का एक वर्टिकल हो सकते हैं, कि किसी कंपनी में किसी कंपनी का किसी मीडिया में 10% है, 15% है, किसी का 50% है, किसी का खुद का ही अपना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। आप जाहिर सी बात है पब्लिक को फ्री में दे रहे हैं, तो आप वेबसाइट पर जाकर खबरें पढ़ते हैं वो फ्री में पढ़ते हैं, आपको उसके लिए पैसे देने नहीं पड़ते हैं। इक्का दुक्का वेबसाइट है जो आपसे पैसे लेती है पर आर्टिकल को पढ़ने के लिए, $1 दे दीजिए, £1 दे दीजिए। विदेशों में इस तरीके की बहुत सारी स्कीम है पर हमारे इंडिया में सब फ्री है, फ्री चैनल्स हैं, जी फ्री है, रिपब्लिक फ्री है, जितने नफरत फैलाने वाले चैनल है, प्रोपेगेंडा चैनल है, वो सारे कुछ फ्री है। जाहिर सी बात है इसमें पब्लिक की भी गलती है, अगर पब्लिक ये तय कर ले कि वो फ्री न्यूज नहीं कंज्यूम करेंगे तो मुझे लगता है स्थिति बेहतर हो सकती है। जैसे मार्केट में मैं कहूँ तो वायर, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रॉल और ऑल्ट न्यूज, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना किसी संसाधन के बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग करने का काम कर रहे हैं और जनता उनको पैसे देकर पढ़ती है। सबसे अच्छी बात ये है सस्टेन कर रहे हैं ना, अगर ये 4 सस्टेन कर सकते हैं तो 40 भी सस्टेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग इनिशिएटिव लेकर पैरेलली अगर एक पब्लिक फंडेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने लगे, आज 4-5 ने हिला के रखा है पूरा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश को, आज जितने भी बड़ी रिपोर्ट आप पाएंगे कि यही 4-5 ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। अब मानिए कि इस देश के अंदर अगर 100 ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो ये जो चैनलों पर बैठकर रात को 9 बजे फाउंडेशन लगाकर और कोट टाई पहनकर जो बकवास करते हैं कोई सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। लोगों का ऑप्शन नहीं है, एंटरटेन होना चाहते हैं, कपिल शर्मा का शो भी रोज नहीं आता। मतलब आपको लगता है कि पब्लिक फंडेड मीडिया और अगर लोग अपनी जेबें ढीली करें खबरों को जानने के लिए, जानने के लिए, तो इस स्थिति से बचा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि हमने तो देखा है एक बार कोई फेक न्यूज चले
अब उसका असर अपना हो जाता है, उसके बाद आप कितने भी माफी मांगते रहिए, वो जो फेक न्यूज का असर होना है वो हो जाता है। ये तो चलो शहरों में हम पकड़ भी लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव रूरल इंडिया में है, जहाँ कोई क्लैरिफिकेशन नहीं छपता। गांव के भोले भाले इंसानों को खबर छाप के दे दी गई कि दिल्ली में बम बम हो रहा है, और वो लोग मान लेते हैं कि दिल्ली में बम बम हो रहा है। इवन दूसरे देशों में भी जो सीमावर्ती हमारे देश है, ये तो खैर प्रशांत हमसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो फेक न्यूज की स्थिति है उसको उससे निपटने के लिए पत्रकारों पर अंकुश लगाकर या पत्रकारों पर पुलिसिया कार्रवाई करके नहीं रोका जा सकता। इसको रोकने का और स्थिति से बचने का जो सबसे बेहतर उपाय है वो ये है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग हैं वो अपनी जेबें ढीली करें सच्चाई को जानने के लिए, खबरों को पढ़ने के लिए। और पब्लिक फंडेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का जो एक स्वरूप है उसको डेवलप किया गया ताकि फेक न्यूज और जो कॉरपोरेट के दबाव में जिस तरह का फेकनेस झूठ फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उससे बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमसे बातचीत करने के लिए, और भी विषय पर हम आपसे जुड़ेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।